एवं कारण भेद से प्रत्यक्ष क्रियाएं हैं। सामान्य बुद्धि से स्थूल, विशेष बुद्धि से सूक्ष्म, विशिष्ट बुद्धि से कारण का प्रत्यक्षीकरण प्रसिद्ध है। इसी आधार पर अनुमान और आगम क्रिया का भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप में रहने का प्रमाण सिद्ध होता है। रूप और गुण स्थूल, गुण और स्वभाव सूक्ष्म, स्वभाव और धर्म कारण क्रियाएं हैं। इसीलिए व्यवहार उत्पादन कर्मों में तीन स्तर में प्रवृत्तियों को पाया जाता है, स्वतंत्र, अनुकरण, अनुसरण। अब यहां पर कर्मों में स्वतंत्र, अनुकरण और अनुसरण, अब उसका जो आधार है, ये आधार हमें स्पष्ट होना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल इसलिए कह रहे हैं कि यह ज्ञान गोचर तो है ही, दृष्टि गोचर भी है, यानी आंखों में भी दिखता है, रूप आंखों में भी आता है, आंशिक गुण आंखों में भी आता है। गुण और स्वभाव सूक्ष्म है, यानी ये ज्ञान गोचर है। स्वभाव और धर्म कारण क्रियाएं हैं, ये ज्ञान गोचर क्रियाएं हैं। इस प्रकार दृष्टि गोचर और ज्ञान गोचर, ये हमें स्पष्ट होना, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण भेद से क्रियाएं। अब ध्यान देते हैं, ये कहां की बात हो रही है, की अनंतता इस रूप में, दर्शन क्षमता इस रूप में, व्यंजनीयता, ये सारा हमें स्पष्ट होना और स्पष्ट रहना, तब व्यवहार उत्पादन कर्मों में ये प्रवृत्तियां हैं। अब ये प्रवृत्तियों को देखते हैं, स्वतंत्र प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता उनमें, उन परिप्रेक्ष्यों में स्पष्ट होती है जिनके संबंध में ये विशेषज्ञता है। जो विशेषज्ञ होने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें अनुकरण क्रिया में व्यस्त पाया जाता है। जैसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण, स्वतंत्र प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता उन परिप्रेक्ष्यों में स्पष्ट होती है जिनके संबंध में यह विशेषज्ञता है। तब आगे सामान्य बुद्धि से स्थूल, विशेष बुद्धि से सूक्ष्म, विशिष्ट बुद्धि से कारण का प्रत्यक्षीकरण है। इस आधार पर ये विशेषज्ञ होने के अर्थ में स्वतंत्र प्रवृत्तियां, जिनमें विशेषज्ञता के प्रति इच्छा जागृत नहीं हुई है, उन्हें अनुसरण क्रिया में अनुशीलन पूर्वक ही कर्म एवं व्यवहारत पाया जाता है। ये विकास एवं अवसर के योगफल का द्योतक है, प्रधानता व्यवस्था और शिक्षा ही है। तो इस प्रकार से शिक्षा और व्यवस्था से विशेषज्ञता के प्रति इच्छा जागृत करने के अर्थ में स्वतंत्र प्रवृत्तियां, और ऐसी अनुकरण प्रवृत्तियां जो शिक्षा और व्यवस्था में स्पष्ट होती हैं। तो ऐसा एक अंतर संबंध व्यवहार और उत्पादन कर्मों में स्वतंत्र, अनुकरण और अनुसरण के रूप में यहां पर दर्शाया गया है। तो हम तो चाहते ही हैं कि विशेषज्ञता के प्रति इच्छा जागृत होना, पर उसके लिए अनुसरण क्रिया में अनुशीलन पूर्वक व्यवस्था होना, जिससे कि विशेषज्ञता के प्रति इच्छा जागृत होना, जिससे कि स्वतंत्र प्रवृत्तियां विकसित हो। अब आगे स्वतंत्र सक्रियता स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण क्रिया की सानिध्यानुभूति क्षमता से, अनुकरणात्मक सक्रियता स्थूल एवं सूक्ष्म क्रिया की सानिध्यानुभूति क्षमता से, यानी इसमें कारण क्रिया के लिए जिज्ञासा होना, और आगे अनुसरणात्मक सक्रियता स्थूल क्रिया की अनुभूति क्षमता से संपन्न पाई जाती है। यही व्यंजनीय क्षमता में प्रत्यक्ष अंतरांतर है। तब जो व्यंजनीय क्षमता की बात हुई थी कि हम स्थूल को पहचान पा रहे हैं, सूक्ष्म को पहचान पा रहे हैं और कारण को पहचान पा रहे हैं, ये सभी क्रियाओं को हमें स्पष्ट होना, और इस आधार पर हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो स्वतंत्र, अनुकरण और अनुसरण है। अब आगे इनकी लक्षण दिए हैं, स्वतंत्र सक्रियता में नियंत्रण क्षमता स्वायत्त, अनुकरण क्षमता में स्वेच्छा से नियंत्रित होने की क्षमता, और अनुसरण सक्रियता में अनुशासित होने की क्षमता समाहित है। वापस दोहरा देता हूं, स्वतंत्र सक्रियता में नियंत्रण क्षमता स्वायत्त,
अनुकरण क्षमता में स्वेच्छा से नियंत्रित होने की क्षमता और अनुसरण सक्रियता में अनुशासित होने की क्षमता समाहित है। सार्वभौमिक कामना अनुरूप कार्यक्रम में रत होने से ही सभी स्थितियों में दोष दूर होते हैं, यही मांगल्यप्रद है। तो मैं यहां पर शिक्षा और व्यवस्था का संदर्भ आया है, उस रूप में शिक्षा और व्यवस्था की पद्धति और प्रणाली में यह अनुसरण अनुकरण और स्वतंत्र प्रवृत्तियों के लिए हमारे में पद्धति प्रणाली और नीति तय होना, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वह पीढ़ी का जो प्रारंभ है अब यहां पर दिखता है कि अनुसरण सक्रियता से शुरू होना। इस रूप में नियमों का अनुसरण है, तो जो नीति पद्धति और प्रक्रियाओं में जब भी ऐसे इस प्रकार से हम शिक्षा और व्यवस्था में काम करते हैं तो एक अनुसरण प्रवृत्ति में विकास होना एक आवश्यकता। धीरे धीरे अनुशासन का मतलब है, वहां पर अनुशासन है, अनुशासन का अर्थ है विधि और निषेध है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, उस रूप में हमें कर्तव्य और दायित्वों का बोध स्पष्ट होना होता है। और व्यवहार दर्शन में गया होगा, वो चार पांच पद थे, व्यवस्थापक प्रचारक विद्वान और ऐसे अनुशासन पूर्वक जीने वाले प्रजा। तो यह एक अनुशासनात्मक सक्रियता जिससे कि अनुसरण प्रवृत्ति हमारे में विकसित हो, जो कि अनुगमन के लिए प्रेरणा है, परंपरा के अर्थ में चलने के लिए प्रेरणा है, और फिर स्वेच्छा से अनुकरण क्षमता हमारे में आना, और फिर हमारे में स्वतंत्र सक्रियता यानी स्वायत्त होने की प्रेरणा हमारे में आना। स्वायत्त मानव की अवधारणा सभी को स्पष्ट है, तो स्वायत्त मानव की अवधारणा यहां पर दोहरा देना मुझे संयुक्तिक लगता है, क्योंकि यहां पर ये जो शिक्षा और व्यवस्था के संदर्भ आए हैं। तो स्वायत्त मानव की अवधारणा स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी, इस प्रकार की सक्रियता ये स्वतंत्र सक्रियता है। तब सार्वभौमिक कामनानुरूप कार्यक्रम में रत होने से सभी स्थितियों में दोष दूर होते हैं, यही मांगल्यप्रद है। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा कि यह सार्वभौमिक कामनानुरूप कार्यक्रम में रत होना ये क्या है, तब इस पर एक चर्चा हम कर सकते हैं कि हम पूरा जो दर्शन है, यह दर्शन का जो जैसा मैं स्पष्ट हो रहा हूं, भाई मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं, तो एक सूत्र है अखंडता और सार्वभौमिकता, यह हमारे चित्रण में स्थिर होना। अखंडता के मूल में मूल्य है, अब यह मूल्य संपृक्तता की स्थिति से, यह मूल्य हम यदि पहचानने का प्रयास करते हैं तो अखंडता के रूप में समाज दिखता है। तो समाज में जो मूल्यमयता है, यह मूल्यमयता मुझ में स्थिर होना, इसको कहते हैं अखंड सामाजिकता। और सार्वभौमता के मूल में संबंध दिखते हैं। तो इस प्रकार से मूल्य और संबंध में एक सूत्र होना, यह सार्वभौमिक कामना के रूप में समझ में आता है। तो इस प्रकार से अखंडता और सार्वभौमिकता की कामना अनुरूप जो कार्यक्रम है, उसमें हम रत होने से हमारी जो सभी स्थितियां हैं, इन स्थितियों के दोष दूर होते हैं, यही मांगल्यप्रद है। अब ये दोषों को एक बार वापस बताए हैं कि परधन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा ही व्यवहारिक सामाजिक एवं भौतिक उन्नति तथा जागृति में बाधक है। राग द्वेष अविद्या एवं अभिमान भौतिक जागृति में अवरोधक सिद्ध हुए हैं। भय आध्यात्मिक अनुभूति योग्य क्षमता के विकास में अवरोधक है। वापस दोहरा देता हूं, भय आध्यात्मिक अनुभूति योग्य क्षमता के विकास में अवरोधक है। तो भय का निराकरण होना है। प्राकृतिक वैभव के अपव्यय से
ऋतु असंतुलन एवं उससे क्लेशोदय होता है जो प्रत्यक्ष है। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष एवं दयापूर्ण कार्य व्यवहार तथा आचरण से सामाजिक सुख एवं संतुलन का, सामाजिक सुख का हमने अभी चर्चा किया, संतुलन की भी चर्चा हमारी सुबह हुई है। असंग्रह, विद्या, स्नेह, सरलता से बौद्धिक सुख का, अभयता से आध्यात्मिक आनंद का अनुभव है। यही भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक का प्रयोजन, विचार एवं अनुभूति व्यक्ति का, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्र की एक सूत्रता, संतुलन, समाधान एवं समृद्धि है। यही सार्वभौमिक साम्य कामना है। तो इस प्रकार से जो सार्वभौमिक साम्य कामना जो अभी स्पष्ट हुआ, अखंडता और सामाजिकता का ये पूरा चित्रण हमारे में स्पष्ट होना, समस्त कर्मों से मानव में सत्य में प्रतिष्ठा, धर्म में आरूढ़ता, न्याय में निरंतरता एवं वस्तु की उपयोगिता का अनुभव करने की कामना एवं प्रयास किया है, जिसके लिए सत्याभिमुखी, धर्माभिमुखी, न्यायाभिमुखी एवं विषयाभिमुखी प्रयास किए हैं। यह प्रत्यक्ष है। भौतिक द्रव्यों का नियंत्रण, उपार्जन, उपयोग एवं सदुपयोग, सामाजिक मूल्यों का वहन, निर्वहन, आचरण एवं निरंतरता, सत्यता, सत्य का बोध एवं अनुभव ही प्रतिष्ठाएं हैं। इनके बिना मानव तृप्त एवं निर्भ्रांत नहीं है। उत्पादन और सेवा के अर्थ का उपार्जन, अर्थ के सदुपयोग में समृद्धि, संयत उपयोग एवं सदुपयोग में संतुलन, सार्वभौमिक धर्म में समाधान, सत्य सत्यता में अनुभव तथा आनंद प्रसिद्ध है। अनुभूति आनंद ही नित्य प्रतिष्ठा, धर्म एवं न्याय सम्मत आचरण, व्यवहार, व्यवस्था, विधि एवं शिक्षा ही समाधान एवं अमर प्रतिष्ठा, विषय प्रवृत्ति ही अल्प प्रतिष्ठा, ये से प्रतिष्ठित पाया जाता है। तब पूरा अभी तक हमने जो पढ़ा, उस पढ़ने में, उस पढ़ने में इस बात पर ध्यान जाता है कि अब हमें ही स्वविवेक से निर्णय लेना है कि कौन सी प्रतिष्ठा में हम अपने को प्रतिष्ठित पाए जाते हैं। तो अल्प प्रतिष्ठा, अमर प्रतिष्ठा और नित्य प्रतिष्ठा है ना, ये तीन प्रतिष्ठा है। अब इन प्रतिष्ठाओं के आधार पर कर्म है और यही कर्म दर्शन की यहां तक की एक स्पष्टता मुझको लगता है हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतना जितना अभी हमने कुछ पढ़ा, 8-9 पेजेस, इस पेजेस को वापस आज घर में पढ़ सकते हैं और इस पर यदि कोई क्वेरी हो तो हम लोग उस पर कल उत्तर कर सकते हैं। और इस अध्याय के कुछ 5-6 पृष्ठ हैं, उन पृष्ठों सहित कुछ और समरी मैं करने का कल प्रयास करूंगा। तो आज मुझे लग रहा है कि इतना पर्याप्त है और जितना भी आपका ध्यान गया होगा कुछ स्पष्टता बनी होगी। कुछ यदि प्रश्न उस पर बनते हैं तो हम कल उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज इतना ही मेरी ओर से, मैं समाप्त करना चाहता हूं। नमस्ते, सभी को शुभ रात्रि।